ब्रिस्बेन टेस्ट की प्लेइंग 11 आई, ऑस्ट्रेलिया ने और भी खतरनाक टीम बनाई, टीम इंडिया की टेंशन बढ़ाई। जी हां, एडिलेड टेस्ट में टीम इंडिया को 10 विकेट से रौंदने वाली ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर माइंड गेम की शुरुआत कर डाली है और ब्रिस्बेन में होने जा रहे तीसरे टेस्ट या कहा जाए गाबा टेस्ट के लिए अपने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। खास बात यह है कि इस बार कप्तान पैट कमिंस ने ऐसे खिलाड़ी को अपने प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है जिसने एडिलेड में रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों को आउट किया था, मैच में 5-5 विकेट तक चटकाए थे। तो कौन है इस बार ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्रिस्बेन टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का वो ट्रम्प कार्ड जिसकी इस बार ऑस्ट्रेलिया टीम में जगह बनाई गई है? कैसी होगी तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 जो कि टीम इंडिया के लिए किसी टेंशन से कम नहीं है? चलिए अपनी रिपोर्ट में मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि इस बार पैट कमिंस ने अपने प्लेइंग 11 में किस खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया। तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड टेस्ट के लिए अपने प्लेइंग 11 में शामिल हुए स्कॉट बोलैंड को तीसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 से बाहर किया है। हालांकि स्कॉट बोलैंड पर्थ टेस्ट में भी नहीं खेल पाए थे, लेकिन एडिलेड टेस्ट में उन्हें प्लेइंग 11 में जगह दी गई थी जहां पर उन्होंने भारत की पहली पारी में शुभमन गिल और टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को आउट किया था, तो वहीं दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली और मोहम्मद सिराज को अपना शिकार बनाया था। आपको बता दें कि ब्रिस्बेन टेस्ट के लिए जॉश हेजलवुड की ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग 11 में वापसी हुई है और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग लाइनअप और भी खतरनाक दिखाई दे रहा है। ब्रिस्बेन में होने जा रहा बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 14 से 18 दिसंबर तक खेला जाएगा, जिसके प्लेइंग 11 में जॉश हेजलवुड एक बार फिर खेलते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि जॉश हेजलवुड एडिलेड टेस्ट में साइड स्ट्रेन की वजह से नहीं खेल पाए थे, जिसके बाद स्कॉट बोलैंड को ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था। हालांकि स्कॉट बोलैंड ने जॉश हेजलवुड की कमी बिल्कुल भी नहीं खेलने दी, लेकिन पैट कमिंस ने अब तीसरे टेस्ट के लिए इस बदलाव की पुष्टि कर दी है। ब्रिस्बेन टेस्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस ने हेजलवुड की वापसी को लेकर कहा, हमारे प्लेइंग 11 में एक बदलाव होगा, स्कॉट बोलैंड की जगह जॉश हेजलवुड एक बार फिर खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये स्कॉट बोलैंड के लिए काफी कठिन है, उन्होंने एडिलेड में शानदार गेंदबाजी की थी और दुर्भाग्य से उन्होंने पिछले 18 महीनों में बेंच पर भी काफी समय बिताया है और जब भी वो खेलते हैं तो शानदार प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इस सीरीज में खेलने के लिए अभी भी काफी कुछ है। जॉश हेजलवुड भी ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियम गेंदबाजों में गिने जाते हैं और मिचेल स्टार्क के साथ साथ पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड की तिकड़ी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। खासतौर से अगर ब्रिस्बेन की गाबा की पिच की बात की जाए तो गाबा की पिच भी तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। ऐसे में ये तेज गेंदबाज टीम इंडिया के लिए कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ा सकते हैं। वैसे अगर जॉश हेजलवुड के पर्थ टेस्ट के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने भी भारत के खिलाफ पर्थ टेस्ट में 5-5 विकेट चटकाए थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए 250 से ज्यादा टेस्ट विकेट ले चुके जॉश हेजलवुड टीम इंडिया के लिए भी बड़े खतरे की तरह हैं, क्योंकि उनका भारत के खिलाफ भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहता है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए गाबा टेस्ट कहीं ना कहीं एक मुश्किल चुनौती की तरह नजर आ रहा है। वैसे ऑस्ट्रेलिया के इस प्लेइंग 11 को लेकर क्या है आपकी राय? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।